हेलो बच्चों, आज 14 नवंबर पर आपके लिए मैं नम्रता वेब दुनिया से कुछ खास लेकर आई हूँ। आपने बाल दिवस मनाया कि नहीं? आपके स्कूल में तो कई प्रोग्राम्स हुए होंगे, आप में से कई बच्चों के पास तो नेहरू जैकेट भी होगी, उसमें गुलाब का फूल भी लगाया होगा। चाचा नेहरू को गुलाब का फूल लगाना बहुत ही पसंद था। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बेहद लगाव था, बच्चों को वे भारत का सुनहरा भविष्य मानते थे। नेहरू जी भारतीय युवाओं का विकास चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIM जैसे संस्थाओं की स्थापना की। बाल दिवस कई स्कूल, ऑफिस और कई दूसरे संस्थाओं में कई आयोजनों के साथ मनाया जाता है, जिसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं। कई स्कूलों में तो इस दिन बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाता है और बच्चों को प्रेरक फिल्में भी दिखाई जाती है। भारत के अलावा बाल दिवस दुनिया भर में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले बाल दिवस कौन से देश में मनाया गया? पहला देश जिसने बाल दिवस मनाया वो भारत नहीं था, बल्कि तुर्की था, जिसने 1920 में पहली बार बाल दिवस मनाया। बाल दिवस का इतिहास, बाल दिवस की नींव 1925 में रखी गई थी, जिसके बाद 1953 में दुनिया भर में इसे मान्यता मिली। UN ने 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, लेकिन यह अन्य देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। कुछ देशों में आज भी 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 1950 में कई देशों में बाल संरक्षण दिवस 1 जून पर ही बाल दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन बच्चों के बेहतर भविष्य और उनकी मूल जरूरतों को पूरा करने की याद दिलाता है। तो बच्चों, अब आप जान गए ना बाल दिवस के बारे में बहुत सी बातें। इसी तरह की रोचक बातें हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे, और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।